एसएससी जीडी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों, आपके लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। बिग अपडेट ये है कि आपका जो चॉइस सेंटर है, आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें चॉइस सेंटर है झारखंड में, उसमें सिर्फ एक ही विकल्प आ रहा है, रांची। पहले जमशेदपुर भी आता था, तो जमशेदपुर नहीं आने के कारण अब दिक्कत काफ़ी बढ़ गई है। अब दिक्कत क्या बढ़ गई, तो जमशेदपुर के आसपास के जितने भी अभ्यर्थी होते थे वे तो चॉइस करते थे जमशेदपुर, और वहाँ सेंटर हो जाता था, तो वो आमने सामने से भी आमने सामने वाला आके परीक्षा दे देते थे और उनका खर्च बच जाता था। लेकिन और थोड़ा दूर वाले भी आ जाते थे, लेकिन इस बार जो है सिर्फ रांची का ही सेंटर आ रहा है, यानी चॉइस में सिर्फ रांची ही आ रहा है। तो इससे दिक्कत क्या होगा, वो लोग को रांची आना पड़ेगा, तो रांची आएंगे तो जनरली एग्ज़ाम सवेरे होता है, तो आएंगे तो उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, फिर यहाँ रुकना पड़ेगा, तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, कहने को तो अब 1-1.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। लेकिन इसमें और एक पैच है, पैच क्या है कि अगर जल्दी आप नहीं भरते हैं तो रांची का ऑप्शन भी आपके पास ख़त्म हो जाता है। इसका मैं एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, जानते हैं इसमें टोटल पूरा इंडिया में इसका जो है रीजन में बंटा हुआ है, प्रत्येक रीजन में अलग अलग वैकेंसी है, टोटल लगभग 40,000 के लगभग है। उसमें ये आपका झारखंड रीजन और झारखंड यूपी बिहार रीजन जो आते हैं इस साइड में, इसमें करीब 10,000 या 9,500 के आसपास है। तो हम लोग डिटेल जानेंगे, इसका तो वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैट्रिक है मिनिमम योग्यता महिला पुरुष सब के लिए, वेतनमान 18,000 से 56,900 है, और एज 18 से 23 के बीच होना चाहिए 1 जनवरी 2025 को, और अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। तो वही हम लोग चर्चा कर रहे थे एग्जाम सेंटर का, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको भरिए, इसमें लेट मत कीजिए, लेट कीजिएगा आपके साथ बहुत परेशानी बढ़ेगी। अगर यहाँ आपको चॉइस सेंटर नहीं मिलता है, मान लीजिए रांची भरे, तो रांची में भी तो लिमिट है, झारखंड वाला तो रांची ही चॉइस करेंगे। अगर यहाँ नहीं होगा तो आपको जाना पड़ेगा या तो भुवनेश्वर पड़ोसी राज्य या तो कलकत्ता, तो ये कोई गारंटी नहीं कि वहाँ भी आपको चॉइस मिल जाएगा। सो बंगाल वाले भी तो कलकत्ता भरेंगे, ये उड़ीसा वाले भी तो भुवनेश्वर भरेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यह होगा कि जहाँ खाली रहेगा बोर्ड आपको वहाँ दे देगा, हो सकता है कहीं भी दे दे, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। अच्छा मान लीजिए आपको यहाँ भी मिलता है, भुवनेश्वर भी और कलकत्ता भी, फिर भी आपको खर्च बढ़ जाएगा, बस में 800-900 भाड़ा है, तो आपका कम से कम 3,500 रुपये पॉकेट होटल में रहिएगा, 2-3 दिन टाइम भी वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा है कि आप उसका सोल्यूशन कि आप जितना जल्दी हो सके उसको भरें, और मान लीजिए इन दोनों में नहीं मिला, मान लो रांची के बाद आप जो चॉइस दे कलकत्ता और भुवनेश्वर, तो आपको कहीं भी दे सकता है। तो चलिए देखते हैं, एसएससी जीडी में जमशेदपुर में नहीं बनाया गया परीक्षा केंद्र, झारखंड में रांची में बना है केंद्र, विकल्प में कोलकाता व जमशेदपुर आपके पास है, लेकिन इसमें मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग भी भरेंगे। हाँ जल्दी भरेगा तो वहाँ मिल सकता है, इससे पहले जमशेदपुर में होता था केंद्र, अभ्यर्थियों की होगी परेशानी, काफ़ी परेशानी होगी। कोल्हान के करीब 10,000 युवाओं को इस बार कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य ड्यूटी एसएससी जीडी के लिए नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके ऑनलाइन आवेदन में जमशेदपुर में परीक्षा का विकल्प नहीं दिया गया है, इसमें निकटवर्ती इलाके में रांची भुवनेश्वर और कोलकाता है, इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। इससे पहले परीक्षा केंद्र जमशेदपुर में बनाया गया था, इस ये परेशानी सिर्फ कोल्हान वाले को नहीं, पूरा झारखंड वालों को होगा, क्योंकि यहाँ नहीं मिलेगा तो इधर उधर तो जाएंगे ही, दूसरा चॉइस करेंगे ही, यहाँ भी तो एक क्षमता कैपेसिटी लिमिट होगा रांची में, उसके बाद तो आपको दूसरा ही जगह जाना है जब खत्म हो जाएगा इसका लिमिट। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 5 सितंबर को जीडी कांस्टेबल की बम्पर भर्ती 5 सितंबर से निकाली है, इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें आवेदक 14 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं, और 9,481 पदों पर भर्ती होनी है। ये इस क्षेत्र का है आपका, इधर जो ईस्ट जोन का होगा टोटल, तो इसमें आपका ऑल इंडिया में करीब 40,000 के लगभग निकला है, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, देख लीजिएगा। कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सशस्त्र बल पुलिस बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो तिब्बती सीमा पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, सचिवालय सुरक्षा बल और असम राइफल के राइफलमैन कांस्टेबल और राइफलमैन के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। आमतौर पर परीक्षा का समय सुबह से ही होता है, इसमें एक दिन पहले रांची में जाकर ठहरना होगा,
रांची में मिलेगा तब ना ठहरेंगे, नहीं तो आपको तो कलकत्ता और भुवनेश्वर होगा तो 3 दिन दो तीन दिन समय लग जाएगा, एक दिन पहले ही जाएंगे फिर खर्चा भी बढ़ जाएगा, अगर वहाँ भी नहीं मिलेगा तो कहाँ देगा उसका कोई पता नहीं, तो और खर्चा बढ़ जाएगा, जिसका अतिरिक्त खर्च उन पर पड़ेगा। यदि रांची में केंद्र नहीं मिला तो उन्हें कोलकाता या फिर भुवनेश्वर जाना होगा जो ज़्यादा दूर होगा, परीक्षा जनवरी फरवरी में होगा। दोस्तों नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।